भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। भाइयों बहनों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पूरा जरूर देखना ताकि सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं और आप सब भाई बहनों से पूछना चाहेंगे, क्या आप सब आंगनबाड़ी बहनों को कोरोना ड्यूटी का जो पैसा 12,000 रुपए मिलना था क्या वो सब बहनों को मिल गया? क्योंकि एक बहन है संगीता तिवारी जो उत्तर प्रदेश के बलिया से आती हैं और उन्होंने लिखा है कि भाई हम लोगों का कोरोना के ड्यूटी का पैसा 12,000 रुपया आने वाला था जो अब तक नहीं आया है, वही आशा बहनों का आ गया है और मानदेय आने में भी देर हो रही है, भाई आखिर कब तक ये प्रॉब्लम चलेगी? तो वैसे मुझे नहीं लगता कि हर जगह ये बकाया रह गया होगा, क्योंकि आपने देखा था कुछ समय पहले ये पैसा जो 12,000 थे आपके कोरोना सर्वे वाले वो शायद आ चुके थे। अब ऐसे में आपने देखा था 500 रुपया महीने के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था पिछले 2 सालों का जो आपको कोरोना भत्ता के रूप में दिया जाएगा, तो वही केवल जो है टोटल आपका 12,000 बनता था, उसी पैसे की बहन बात कर रही है। क्या किन किन बहनों का आ गया था कमेंट करके बता दें, जिनका ना आया हो वो भी कमेंट करें और चैनल पर कमेंट कर दें। साथ ही साथ अब चलते हैं आगे और आप सबको दिखाना चाहेंगे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई, जिसके बारे में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी आवाज उठाई है और इस आप जानकारी को देख करके भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और इसका जिम्मेदार सरकारी विभाग हमारा है और यहां के जिम्मेदार बड़े आला अफसर भी हैं। क्यों? क्योंकि 2 जुलाई के इस आदेश में मैं आपको बता दूं कि निदेशक ICDS निदेशालय को अपने बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से यह कहा गया है कि THR एवं जो है HCM हेतु खाद्यान्न क्रय मूल्य का वर्तमान बाजार दर के समानुपाती किए जाने के संबंध में, यानी साफ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो अभी का बाजार रेट है चीजों का वो ज्यादा है और विभाग जो पे करता है वो बहुत ही कम मूल्य है। अब ऐसे में आज के दौर में उतने कम मूल्यों में कैसे वो चीजें मिल जाएंगी? जैसे मैं आपको एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको देखें, आलू जो है आपका आलू की कीमत यहां पर निदेशालय विभाग द्वारा निर्धारित जो क्रय मूल्य है 7 रुपया लिखा गया है। अब आप बताओ कि आज के दौर में 7 रुपया किलो आपको कहीं आलू मिल जाएगा? आप सब कहेंगे बिल्कुल भी भाई 7 रुपया किलो नहीं मिलेगा, यहां तक कि जो है इसका डबल भी रेट कर दो 14 रुपया प्रति किलो कर दो तब भी आपको आलू नहीं मिलेगा। अब ये तिहाई पर जो पैसे हैं आप सोचेगा कैसे चीजें बहने खरीदें? अब 7 रुपया के हिसाब से विभाग दे रहा है जबकि 25 रुपया मौजूदा समय में आलू का रेट है। अब ये तरह तरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 20 रुपया से 25 रुपया के बीच में आलू आपको देखने को मिलेगा। अब सरकार चाहती है कि इस आलू को 7 रुपये में बहने खरीदें, तो क्या बहने अपना घर बार खेत बेच दें या नौकरी से मिलने वाला जो पैसा है वो भी इसी काम में लगा दें और विभाग को जो है बता दें कि इतने पैसे में भाई आपको मैंने 7 रुपये में ही खरीद दिया और ऊपर का पैसा चुपचाप अपनी जेब से बेचारी भरते रहे? तो ये कैसे और कब तक जायज रहेगा? क्या आज के समय में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं निदेशक महोदय जैसे जो लेटर निकाल तो देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि आज का बाजार रेट क्या है, क्या इतने पैसों में वो चीजें मिल जाएंगी? तो फिर कैसे अनुमान लगा लेते हैं कि जमीन स्तर पर जो लाभार्थियों को ये दिया जाएगा तो कैसे चीजें जो है क्रय करना संभव हो पाएगा? अब इसमें चावल का जो रेट है 26 रुपया प्रति किलो के हिसाब से लिखा हुआ है जबकि चावल वर्तमान में बाजार रेट 30 रुपया प्रति किलो है। सरकार यह भी तो कहती है गुणवत्ता का भी ध्यान रखो, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। अब क्वालिटी होगी तो पैसा भी बढ़ेगा। अब मान लो आलू तो आप देख ही रहे 7 रुपए में आलू, पहली बात तो आप क्वालिटी तो दूर की बात है, सड़ा आलू भी आपको 7 रुपए में नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिएगा यहां पर 25 रुपए मौजूदा समय में 20-25 में आलू है, 7 में कैसे मिल जाएगा? अब यहां पर चावल का रेट आपने देखा, मूंग दाल का 80 रुपया विभाग से प्रस्तावित है, 120 रुपए में जो है यूनियन का कहना है कि मूंग दाल मिलती है। मसूर दाल जो है 69 रुपया विभाग कह रहा है और 90 रुपए में मूंग जो है यहां पर मसूर दाल मिलती है। सोयाबीन 90 रुपया प्रति किलो विभाग कह रहा है और 95 में वो मिलता है। सोयाबीन तेल 90 में जो है यहां पर विभाग कह रहा है खरीदो जबकि 95 रुपए में सोयाबीन तेल है। और मिक्स मसाला 242 में यहां पर लिखा है जबकि 400 रुपया मिक्स मसाला के हिसाब से है। चना 70 रुपया लिखा है जबकि 75 में है। मौसमी सब्जी 20 रुपया लिखी जबकि 40 में है। प्याज टमाटर 20 में लिखा है जबकि 25 से लेकर के 80 तक प्याज और टमाटर के चले जाते हैं जब महंगाई होती है। अभी भी आप देख लें कि आपको 20 रुपए में टमाटर मिल जाएंगे
तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तेल देखिएगा 110 रुपया यहां पर विभाग से प्रस्तावित है, जबकि 180 से लेकर के 200 रुपए तक आपको जो है तेल देखने को मिलेगा। अब कद्दू जो है 20 रुपया लिखा है, जबकि 30 रुपए में वो खुद मिलेगा। मूंगफली 100 रुपया लिखी है, जबकि 120 में मिलेगी। अब सोचिए यहां पर जो कद्दू है वो भले ही आपको सस्ता मिल जाए, 20 रुपया प्रस्तावित है, 30 रुपया लिखा है, 30 रुपए से कम में भी कद्दू मिल जाएगा, ये हर कोई जानता है। जो सत्य है देखो मैं वही सत्य बताऊंगा, बाकी मूंगफली आप देख रहे 100 लिखा है, 120 तक वो आपकी पहुंच जाएगी। अब केला पपीता मौसमी फल यहां पर 1 रुपए के हिसाब से लिखे, जबकि वो भी इतने में नहीं मिलने वाले, ये भी यहां पर ध्यान देना। अब देखिए यहां पर लिखा है जनवरी 2019 का 12%, जुलाई का 2019 का 17, जनवरी का 21, जुलाई का जो 2020 में 24, जनवरी का 28 और जुलाई का 2021 में 31, ऐसे कुछ लिखे हैं। मानदेय सॉरी महंगाई वृद्धि को फिलप वक्त वगैरह राज्य सरकार कर्मिकों के महंगाई भत्ते में उपयोग मूल्यांकन सूचकांक के अनुसार हुई बढ़ोतरी को दर्शाया जाना प्रासंगिक है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे दी हैं। अब आप लोग सोचिएगा बहने कैसे खरीदे, कुछ कुछ चीजें दो दो तीन तीन गुना ज्यादा पैसों में मिल रही है, बाजार रेट से जो है सरकार बहुत कम दे रही है, ये एक मानसिक जो है दबाव बहनों पर बन रहा है। नजमा खातून बहन आती है सीतामढ़ी से और वहां से की आवाज उठाई गई है जो आप सब भाई बहन ऑल इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं। वहीं पर ये जो मास्टर साहब है दरअसल ये अपने घर से लापता हो चुके हैं और रिटायर्ड टीचर हैं और इनके घर वाले काफी परेशान हैं और पिछले दो दिनों से ऑल इंडिया पर भी बराबर इनका प्रसारण हो रहा है लेकिन अभी भी ये नहीं मिले हैं। तो अगर किसी को ये मिलते हैं तो यहां पर किरण दीक्षित बहन हैं, उनके वहां से ये आते हैं और उनका कहना है कि अगर किसी को मिले तो सूचना जरूर कर दें और जब मिल जाएंगे तो ऑल इंडिया पर दिखा भी दिया जाएगा। फिलहाल जब तक नहीं मिलते हैं तब तक जो है उम्मीद करिए और शेयर भी करिए ताकि ये मिल जाए। वहीं इनके अलावा ज्ञानमती साहू बहन आती है रायबरेली से और यहां पर इनका कहना है गुड नाइट भाई, हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमको चार्ज मिला, दरअसल उन्होंने कल शाम को मैसेज किया था, इसीलिए इनका कहना है कि कुछ ऐसे मुसलमान लोग हैं कि भाई उनकी औरत जो है गर्भवती है 4 महीने से हैं और भाई अप्रैल में उनका पंजीकरण किया था, अभी मार्च का राशन आया था अप्रैल का नहीं, तो भाई उनको कहां से हम जो है राशन दे दें। ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे हैं उनको मैडम के समझाने के बावजूद ही बोल रहे हैं कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो देखो समस्या यहां पे ये है, हम अपने शब्दों में बताते हैं कि इन्होंने जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन किया पोषण ट्रैकर पर, कब किया इन्होंने जो है अप्रैल में किया है, कब किया अप्रैल में किया है, और जबकि इनका भी जो राशन आया है वो इनका कब का है मार्च का है, तो मार्च का जो राशन आया है अब आया कब है आप देख रहे हैं, जुलाई अब चल रही है, अभी इन्होंने इस टाइम पर मैसेज किया। तो अब आप सोचिएगा गलती यहां पर लाभार्थी की बहुत कम है, गलती विभाग की और जिम्मेदारों की ज्यादा है, क्योंकि अब मार्च का राशन आप देख रहे हैं अब आया है जुलाई में, मार्च अप्रैल मई जून इतने महीनों का लेट क्यों चल रहा, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, तो ये सोचिए। तो गलती लाभार्थी की नहीं है, गलती किसकी है, जिम्मेदारों की है, विभागीय अधिकारियों की है कि वो समय पर हर महीने जो राशन बंटना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि सुपोषित हो जाएंगे लाभार्थी, जो उनके लिए आता है वो समय पर मिलता नहीं है, तो दिक्कत ये किसकी है, ये विभाग की है और जिम्मेदारों की है, ना कि लाभार्थी की है। अब लाभार्थी तो परेशान होगा ही, आपने उसका अप्रैल में रजिस्ट्रेशन किया है, अब अप्रैल उसने इंतजार किया, फिर उसके बाद मई इंतजार किया, फिर उसके बाद जून इंतजार किया, अब जुलाई चलने लगा, तीन तीन महीना हो गया वो इंतजार ही कर रहा है, उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अब इतना लेट क्यों राशन बंट रहा है, ये जिम्मेदारों पर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक यहां पर कड़वा सत्य है, क्योंकि इतना लेट अगर राशन जाएगा तो मुसीबतें तो आएंगी। बहुत से ऐसे जिले हैं हमारे इधर क्षेत्र में जो बराबर राशन बंट रहा है, हर महीने राशन आ रहा है, ये इतना इतना लेट लतीफी नहीं हो रही है, जहां के अधिकारी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे या कुछ थोड़ा ढीले ढाले हैं, उसी लिए यहां पर जो दिक्कतें आ रही हैं, वरना ऐसा है ही नहीं। जब ऊपर से नियम कायदे बने हैं कि जो है महीने की 5 तारीख तक राशन वितरण हो जाना चाहिए, तो भाई क्यों ये तीन तीन चार चार महीने का लेट चल रहा है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिम्मेदारों पर, तो समस्या इसलिए है, निदेशालय वाले इस पर ध्यान दें। राजवती बहन आती है सीतापुर से, इनका कहना है सुधांशु भाई नमस्ते, सच्ची अच्छी खबरें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पोषण ट्रैकर पर सारे लाभार्थी फीड कर लिए हैं, वेरीफाई भी हो गए हैं, लेकिन उसमें रोज 8-10 लाभार्थी अनवेरीफाई दिखने लगते हैं, उन्हें दोबारा वेरीफाई करना पड़ता है, इसका क्या कारण है, क्या मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होगा, तो बिल्कुल मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करिए, आधार और मोबाइल दोनों चीजें करने के बाद ही वेरीफाई माना जाता है। अब इनका कहना है उन्हें डिलीट करके दोबारा फीड करने से वे 12-14 घंटे बाद फिर शो करने लग जाते हैं, तुरंत नहीं करते हैं, यानी डिलीट कर देती हैं, उसके बाद दोबारा से वो बच्चे जो है वहीं पर 12-14 घंटा बाद फिर आ जाते हैं, तो भाई ये तो दिक्कत है। अब ऐसे में वेरीफाई कर लो, नंबर वंबर भी डाल के करिए, नंबर तो जरूरी है। आगे आप देख सकती हैं जो अनीता बस्ती बहन हरदोई से आती है, इनका भी कहना इसी मुद्दे पर, हरदोई में जो ऐप फीडिंग वाला है उसमें मां का आधार पहले से फीड है, तो बच्चे में जो है पिता का आधार डाल करके वेरीफाई जो है किया है हो जाता है, तो ये भी अच्छी बात है, अभिभावक का भी लोग डाल करके कर रहे हैं नई फीडिंग में, वो भी हो जाता है। अब पंजाब के जो है बठिंडा वगैरह से भी एक खबर आ रही है, स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का
यहां पर पंजाब के बठिंडा में उद्घाटन हुआ है। तो आइए देखते हैं स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र में आखिर क्या चीजें हैं। तो एक ये पहले फाइल फोटो देख लीजिएगा, स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन यहां पर कराया जा रहा है। तो इस संबंध में आपको अधिक जानकारी देना चाहेंगे कि आसरा वेलफेयर जो है सोसाइटी है उसी की ओर से चलाए जा रहे आशा की नई किरण प्रोजेक्ट के तहत जो है यहां पर पूज्जा वाला मोहल्ला उसमें स्थित सरकारी देशराज मेमोरियल स्कूल में संस्था की ओर से शहरवासियों के सहयोग से 41 दिनों में तैयार किए गए स्मार्ट आंगनबाड़ी सेंटर का उद्घाटन DC शौकत अहमद पर जो है उन्होंने परे ने किया है। उन्होंने संस्था की ओर से बच्चों के लिए तैयार किए गए स्मार्ट सेंटर के लिए समूह टीम को बधाई दी है और इसके लिए साथ ही संस्था के समाज सेवी कामों की सराहना भी की है। तो अच्छी बात है, बहुत ही कम समय में ये हो गया। बाकी आप अगर देखें मनरेगा के तहत तरह तरह के तहत जो भी सेंटर बनते हैं वो कई कई साल तक हैंडओवर भी नहीं किए जाते, पता नहीं कौन मलाई चाटता रहता है गांव में। अब आप समझ रहे हैं, हर कोई जानता है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी देकर के सेंटर बनवाए जाते हैं वही जो है काम को आधा अधूरा बीच में छोड़ देते हैं, कभी आधा अधूरा, फिर वो साल दो साल चलता रहता है, अपना उसी पर पैसा निकालते रहते हैं और वो सेंटर हैंडओवर होता ही नहीं है। इधर बात करते हैं बिहार सरकार की, निदेशालय से 4 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ था। इस लेटर के संबंध में आपको बता दें कि निदेशक महोदय ने इस लेटर के संबंध में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बिहार में कहा है कि 20 जुलाई अभी जो आएगी इसमें जो है निर्धारित सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम होने वाला है तो उसी का यहां पर प्रचार प्रसार कराने के लिए बोला जा रहा है। तो समाचार पत्र जो भी है उनमें इसका विज्ञापन निकलवाया जाए, आंगनबाड़ी केंद्रों के अग्रभाग पर चिपकाया भी जाए, इसके लिए जो है भेजा रहा है और साथ ही साथ जो है यहां पर अंकेक्षण कार्यक्रम जो है उसकी फोटोग्राफ भी लेकर के निदेशालय को भेजी जाए। तो अभी हम आपको बता दें कि 20 जुलाई को सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया जो है बिहार में होनी है। अब इसके संबंध में प्रचार प्रसार कर लो सभी बहनें, और अभी संबंध में आपको बता दें कि एक हम विस्तृत जानकारी लेकर के अगला वीडियो आएंगे तो आप लोग जरूर देखना। एक वीडियो में बिहार में सामाजिक अंकेक्षण से जुड़ा हुआ और 2-3 लेटर हमारे पास है निदेशालय स्तर के, उनको एक ही वीडियो में हम शामिल करेंगे। और जानकारी सोनी कुमारी बहन आती है वैशाली से, उनके द्वारा भेजी गई है, बहन को बहुत धन्यवाद। और इनके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो यहां पर उत्तराखंड के चंपावत से की खबर निकल के आ रही है, THR का भुगतान न होने पर वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने प्रदर्शन किया और वहां पर भड़की हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब आप सोचिएगा इतने लंबे लंबे समय से अगर भुगतान नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो होगी, क्योंकि THR ना मिलने से भी जो है लाभार्थी परेशान होते हैं और ऐसे में वर्करों को भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जो है यहां पर मात्र समिति के खाते में 7 माह से THR और कुक्ड फूड का भुगतान न होने पर नाराजगी जो जताई है वो प्रदर्शन किया है, शीघ्र भुगतान न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। और GGIC परिसर में आंगनबाड़ी संगठन जिलाध्यक्ष मीना बोहरा उनके नेतृत्व में बहनें एकत्रित हुई और वहां पर कहा कि करीब 7 महीने से मात्र समिति के खाते में THR और कुक्ड फूड का 1 भी रुपया नहीं आया है। अब आप सोचिएगा किस तरीके से यहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है। अब क्योंकि THR एक पोषण अभियान से जुड़ी हुई चीज यहां पर नजर आती है, ऐसे में जो है कुपोषण को बढ़ावा मिलेगा तो यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर इनका कहना है कि बाल विकास विभाग की ओर से रुपया ना मिलने पर बाराकोटा ऐसे तमाम यहां पर जो आंगनबाड़ी जगह की बहनें हैं जिनके सामने परेशानियां आ रही हैं और वर्तमान में दुकानदार भी राशन आदि देने में आनाकानी कर रहे हैं और उक्त उधार दिए जो है राशन का बिल चुकता करने की मांग कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए बहनें, पहली बात तो अपनी जेब से क्यों राशन उठाएं, विभाग को चाहिए पहले पैसा भेजे उसके बाद राशन आएगा। अब ये थोड़ी है कि यहां पर कई कई हजारों का इतना तो राशन मिलेगा कच्चा, बहनें अपनी जेब से क्या खरीदें। और 7-7 महीने से बहनें कह रही हैं कि राशन का एक फूटा कौड़ी भी नहीं आया, तो 7-7 महीने का न जाने कितना पैसा हो गया, इतना तो मानदेय नहीं मिलता। अब इतना पैसा बहन ने अपनी जेब से खर्चा कर रखा है, तो ये तो सब गलत चीजें हैं, ये सिस्टम ही गलत है, इसमें तो बदलाव होना चाहिए, इसके लिए तो बहनों आपको खुद ही लड़ना चाहिए। तो इस बारे में यूनियन भी यहां का थोड़ा सोचे, 7-7 महीने से अगर भुगतान ना हो, खाते में एक पैसा भी ना आए, तो बहनें राशन जो है खरीदती हैं तो ये कहीं ना कहीं उनको मानसिक दबाव आगे के लिए बन रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगली जानकारी बता दें कि उर्मिला बहन आती है बहराई से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी थी, वहां के क्षेत्रीय विधायक है सुभाष त्रिपाठी, उनके द्वारा बहनों को साड़ी का वहां पर वितरण किया गया जिसके संबंध में उन्होंने एक फोटो भेजी है। कुछ और भी बहनें हैं, निर्मला गुप्ता बहन अंबेडकर नगर से आती हैं और इस टाइम पर बहनें खूब पेड़ लगा रही हैं। साथ ही शीला बहन अंबेडकर नगर से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है पेड़ लगाते हुए। और इनके अलावा आती है हेमलता बहन मैनपुरी से और साथ ही साथ आती है अमृता सिंह बहन कासगंज से। और इनके अलावा यहां पर बहन आती है मिथिलेश मुरादाबाद से। और इनके अलावा अगर हम बात करें बहन अनिशा खातून जालौन से, 6-6, 7-7, 10-10, 12-12 जो भी पेड़ जो बहनें लगा सकती हैं अपने अपने वहां लगाएं। सुधा बहन आती सिद्धार्थनगर से, इसके बारे में लेटर भी आया था आपको दिखाया होगा। सावित्री पांडे बहन आती गोंडा से और इनके अलावा ये आती निर्जा पटेल बहन इटावा से। और अगर हम आगे बात करें, यहां पर फ्री में एक कोचिंग सेंटर का यहां पर उद्घाटन हुआ है।
आप देख सकते हैं लिखा है मानव सेवा समिति निशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन तहसीलदार साहब ने वहां पर जाकर के किया है, अच्छी बात है। साथ ही साथ ये वहां से एक फोटो आ रही है आप देख सकते हैं, और इनके अलावा एक ये जो बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से आती है, इनके अलावा भी एक ये बहन है अखिलेश यादव जो कि मुरादाबाद से आती है, अमरूद के बहन पेड़ लगा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से पत्ते भी दिख रहे हैं, तो ये बढ़िया जो है पेड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अनिता यादव बहन है रामपुर से और उनके वहां से उन्होंने फोटो भेजी है, और एक ये बहन आती है रिंकू जो कि बलिया से आती है, और लास्ट में एक ये बहन है जिनका नाम है सरोसिंह जो गारियाबाद से आती है। तो आज सुबह का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे, किसी की कोई